बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने उर्दू का सबक जमजम की कहानी की रीडिंग करनी है। सबसे पहले तो हम इनके खास अल्फाज देखेंगे। खास अल्फाज हमारे ये हैं और अब हम इनको पढ़ते हैं और आपने बेटा इन खास अल्फाज को एज अ डिक्टेशन आपने अपने नोटबुक पर लिखना है, ठीक है बेटा। फर्स्ट है परेशान, तलाश, ऊंचे, मदद, चश्मा, ठीक है बेटा। अब हम इन्हीं के मायने जानेंगे और आपने इनके अल्फाज मायने अपने नोटबुक पर लिखने हैं। शाबाश। फर्स्ट है परेशान। अब हम इसका मायने क्या है, इसका मायने है हैरान, ठीक है बेटा जी स्टूडेंट्स। अब इनके मायने हैं, परेशान का मायने है हैरान, तलाश, ढूंढना, ऊंचे, बुलंद, मदद, काम आना, चश्मा, ज़मीन से पानी निकलना, ठीक है बच्चे। अब आपने इसको अपनी नोटबुक पर अल्फाज मायने के तौर पर भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग हमारी ये है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत प्यारे नबी थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब वो छोटे थे तो अपने वालिद और अम्मी बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र कर रहे थे। वो सफ़र करते हुए मक्का पहुँचे, उनके पास पानी पीने का पानी ख़त्म हो गया। उस वक्त मक्का एक गैर आबाद बस्ती थी, ठीक है बेटा, गैर आबाद जी। तो स्टूडेंट, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, शाबाश। और वो सफ़र पर किसके साथ गए थे, वालिद और अम्मी बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक है। अब ये गैर आबाद, गैर आबाद बस्ती का क्या मतलब है, गैर आबाद बस्ती का मतलब है वीरान, जहाँ कुछ नहीं हो, जहाँ कोई आबादी नहीं है, लोग नहीं रहते, ठीक है बेटा। आगे हम पढ़ते हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहुत प्यास लगी थी। अब प्यास का मतलब क्या है, जब पानी की तलब हो, तो जब पानी की तलब होती है तो प्यास से कहेंगे ना, प्यास लगी है, और जब खाने के लिए हमें फील हो रहा हो कि हमें खाने की तलब है तो उसे कहते हैं भूख। तो पानी की प्यास, पानी की तलब हो तो उसे प्यास कहते हैं, ठीक है। वो पानी के लिए रोने लगे। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को रेत पर लिटाया, फिर हज़रत उनकी वालदा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनको रेत पर लिटा दिया और वो परेशान होकर किसकी तलाश करने लगी, पानी की तलाश करने लगी, ठीक है बेटा। अब आपने इसको अच्छे से रीडिंग भी करनी है और अपना होमवर्क भी करना है। शाबाश।